नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली, बीएसएससी सीजीएल 3 और बिहार दरोगा के बारे में बात करूंगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की बहाली है, और अभी तक उसका कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब फाइनल होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। और 7 साल बीत चुका है और बीएसएससी के अधिकारियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि जल्द से जल्द इस बहाली को वो पूरा करे, और कोई ना कोई वो बहाना बनाते हैं। पीटी का भी जब रिजल्ट आया था तो उससे पहले हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था। और अभी जो टाइपिंग का मामला चल रहा है, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा। और इस संबंध में आयोग जाकर कई बार छात्र आंदोलन भी कर चुके हैं, फिर भी बीएसएससी इस बारे में कोई सूचना नहीं दे रही है कि इसका स्पीड क्या होगा, टाइपिंग का स्पीड क्या होगा। आखिर बीएसएससी ऐसा क्यों कर रही है? इसका साफ साफ मतलब है कि बीएसएससी ऐसे लोगों को ही नौकरी देना चाहती है जिन्होंने आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा दिया होगा, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उन लोगों को किसी न किसी बहाना से उनको छांटना है। और इसी वजह से जिन लोगों ने आरसीपी टैक्स दिया होगा उनको स्पीड पता होगा कि क्या स्पीड होगा टाइपिंग का, और जिन्होंने नहीं दिया उनको नहीं बताया जा रहा है। आखिर बीएसएससी क्यों नहीं नोटिस जारी कर रही है कि उसका स्पीड क्या होगा, 25 होगा, 35 होगा, 40 होगा, क्या स्पीड होगा? मार्च महीने में एक अखबार में छपता है कि 35 या 40 स्पीड रहेगा, जो कि आधिकारिक तौर पे सूचना नहीं थी। तो बीएसएससी को चाहिए कि इस बारे में एक आधिकारिक सूचना डाले, एक नोटिस डाले कि जो टाइपिंग है उसका क्या स्पीड होगा, तभी तो छात्र उस अनुसार तैयारी करेंगे। लेकिन बीएसएससी सिर्फ और सिर्फ आरसीपी टैक्स वसूलने में लगा हुआ है, और यही वजह है कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, और यही वजह है कि 7 साल से ये बहाली लटकी हुई है। और बीएसएससी सीजीएल 3 की जो बात है, 2018 से ही हरेक 2 माह के बाद पेपर में ये छपवा दिया जाता है, सचिव का बयान आता है कि अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में बीएसएससी सीजीएल 3 की 1500, कभी 3500, कभी 2500 बहाली आने की बात आती है। इस साल भी जनवरी में ये खबर छपी थी कि जनवरी लास्ट में आएगा, फिर फरवरी जब आ गया तो फरवरी प्रथम सप्ताह में छपा कि फरवरी लास्ट में आएगा, फिर हुआ कि अप्रैल मई के बीच में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, और सभी अखबारों में प्रमुखता से इसको छापा गया था। और बीएसएससी के सचिव का बयान भी आया था कि सभी विभागों से रिक्तियां मांगी जा रही है और अप्रैल मई में बहाली आएगी, वैकेंसी आएगी, विज्ञापन निकलेगा। लेकिन इनको तनिक भी शर्म नहीं आती है, इतने बेशरम है बीएसएससी के सचिव कि इनको अपनी बात का भी तनिक भी ये नहीं रहता है कि यही बात ये 2018 से बोल रहे हैं। 2018 से लगातार हरेक 2-3 महीना पे यही बात बीएसएससी के सचिव बोल रहे हैं कि सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है, जैसे ही रिक्तियां आ जाएगी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, ये लोग तो बहुत बड़ा बेशरम हो गए हैं। लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए था नीतीश सरकार को, इस बारे में एक्शन लेना चाहिए था कि वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी क्लियर करना चाहिए, या नहीं आएगी ये भी क्लियर कर देना चाहिए था। और बहुत सारे छात्र, हजारों छात्र इस अखबारों में जो खबर छपती है उसको देख के कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं, पता चलता कि साल का साल गुजर गया और वैकेंसी तो आई ही नहीं। लेकिन न तो इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है, न ही बीएसएससी को कोई मतलब है, बस बयानबाजी हो रहा है ताकि छात्र आंदोलन न करे, इसलिए पेपर में छपा दिया जाता है। और ये सब शिक्षा माफियाओं के द्वारा भी करवाया जाता है ताकि छात्र ये समझ ले कि नई वैकेंसी आने वाली है और वो सेटिंग में लग जाए। और बहुत सारे छात्र तो इसमें फंस भी चुके हैं, जितने बार पेपर में छपता है उतने बार बहुत सारे स्टूडेंट किसी न किसी दलाल शिक्षा माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं और उनको पैसा दे देते हैं कि मेरा इस बहाली में होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, और बहुत सारे छात्रों का पैसा फंसा भी हुआ है, और बहुत सारे छात्र का तो पैसा लेके शिक्षा माफिया दलाल गायब भी हो चुके हैं। और बीएसएससी को इस बारे में हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि एक नोटिस आप डालिए कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा और टाइपिंग कब होगी, और बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी कब आएगी, आप इसके बारे में एक नोटिस डालिए, या नहीं आएगी ये भी एक नोटिस डाल दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। और उसके बाद बिहार दरोगा का जो मामला अभी चल रहा है, जो पुरानी वैकेंसी है उस बारे में, जो मेडिकल जिन लोगों ने लगाया है, तो उन लोगों का कहना है कि बहुत कुछ लोगों का जो है मोबाइल पे कुछ लोगों को नोटिस आया है कि 20 जून को उनका फिजिकल लिया जाएगा, लेकिन ये कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, इस बारे में बीपीएसएससी को एक नोटिस जारी करना चाहिए था कि मेडिकल जिन्होंने लगाया है उनका फिजिकल वो कब ले रहे हैं।
उनका फिजिकल वो कब लेंगे, इस बारे में उनको एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए और सभी को सूचना देना चाहिए था। ये नहीं कि 10-20 लोग को सूचना दे दिए, उससे काम नहीं चलेगा। बीपीएसएससी को एक नोटिस जारी करना चाहिए कि मेडिकल जिन लोगों ने लगाया है उनका फिजिकल कब होगा। सिर्फ इतना तो करना है, दो लाइन का नोटिस जारी करना। और इसके लिए बीपीएसएससी पता नहीं क्या सोचती है, इतना तानाशाह रवैया क्यों अपनाती है। बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी इतने बेशरम इंसान हैं कि वो कोई भी नोटिस परीक्षा से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, ना ही कोई फ़ोन नंबर दिया गया है। छात्र संपर्क कैसे करेंगे? जब परीक्षार्थी ऑफिस में जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं डाला जाता, कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया गया है। वहाँ जाने के बाद कोई स्टाफ कुछ बताते नहीं है। आप सोच लीजिए कि आज डिजिटल ज़माना है और सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखाना है, फिर भी परीक्षा की तिथि तक नहीं बताई जाती है। 2213 दरोगा बहाली जो होनी है उसका फॉर्म कब भराया जा चुका है, और अखबार में दिसंबर महीने में छपी थी कि 14 फरवरी को परीक्षा होगी। इस बारे में बीपीएसएससी ने कोई सूचना नहीं दिया कि 14 फरवरी को परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और अभी तक भी कोई सूचना नहीं दिया गया है कि ये 2213 दरोगा की जो बहाली है उसका पीटी परीक्षा कब होगी। कम से कम एक संभावित मंथ का जिक्र कर देना चाहिए था ना बीपीएसएससी को कि कब होगी, कम से कम 2 महीना बाद होगी कि 3 महीना बाद होगी कि 4 महीना बाद होगी कि 5 महीना बाद होगी, कब होगी, एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था। छात्र इतने परेशान नहीं होते। और ये जो मेडिकल वाले का इशू है उससे संबंधित भी एक नोटिस डाला जाना चाहिए था कि जो जिन लोगों ने मेडिकल लगाया था फिजिकल के दरमियान, उनका फिजिकल वो कब लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एक नोटिस डाल देना चाहिए था। कुछ छात्र कह रहे हैं, 10-20 छात्र ऐसे हैं जो कि हमारे मोबाइल पे नोटिस मैसेज आया है कि 20 जून को फिजिकल होगा उनका, लेकिन सभी के मोबाइल पे ऐसा मैसेज नहीं आया। अब क्या इसमें सच्चाई है नहीं है तो इसको आधिकारिक नहीं माना जा सकता। इसलिए बीपीएसएससी को चाहिए कि वो वेबसाइट पे एक नोटिस डाल दे। एक दो लाइन का नोटिस डालने में बीपीएसएससी को क्या लगा हुआ है और सुनीत कुमार जी को क्या लगा हुआ, आखिर डरते क्यों हैं नोटिस डालने में? वो ना वो फ़ोन नंबर देंगे, ना ऑफिस में मिलेंगे, ना वहाँ के कोई स्टाफ बताएंगे, ना ऑनलाइन कोई नोटिस जारी करेंगे, तो फिर ये क्या संस्था है? ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, आरसीपी टैक्स वसूलने का अड्डा है बीपीएसएससी, और इसीलिए कोई सूचना नहीं दी जाती है। अखबारों के माध्यम से छात्रों को रिजल्ट पता चलता है, अखबारों के माध्यम से छात्रों को परीक्षा की तिथि का पता चलता है, और इसी तरह बिहार पुलिस बहाली का जो पीटी हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा, इस बारे में भी संबंधित आयोग को सूचना देनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सूचना ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ शिक्षा माफियाओं को पता होता है कि कब रिजल्ट आना है, कब वैकेंसी आनी है, कब परीक्षा होनी है, लेकिन एक परीक्षार्थी को ये सही से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ का जो भी भर्ती आयोग है अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन नोटिस सही से जारी नहीं करता है। जब मार्केट में हल्ला उड़ जाता है, शिक्षा माफियाओं द्वारा बात फैला दी जाती है, तब जाके बाद में आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? और इधर 64वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आने की बात थी, तो उसके भी सचिव, जो बेशरम सचिव कहेंगे, एकदम बेशरम सचिव है उन परीक्षा नियंत्रक, उनका कहना था बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है अमरेंद्र कुमार जी, वो इतने बेशरम इंसान हैं, इन लोगों को बेशरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों की बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने बड़े पद पे बैठे संवैधानिक संस्था में ये हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, उसके बाद भी इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। कभी बोलते हैं फरवरी में रिजल्ट आएगा, कभी बोलते हैं मार्च में रिजल्ट आएगा, कभी बोलते हैं अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अब बहाना बना रहे हैं कि कोरोना के चलते कुछ स्टाफ को कोरोना हो गया, इसके चलते। अरे बेशरम इंसान, कोरोना कब आया है भारत में? 2020 में मार्च के बाद, या कह लीजिए कि होली के बाद, 14-15 मार्च के बाद कोरोना का लहर आया है भारत में। और ये वैकेंसी कब आई थी रे बेशरम इंसान? 2018 जुलाई में 64वीं बीपीएससी की वैकेंसी आई थी। इनको कहते हुए शर्म नहीं आती है कि कोरोना के चलते रिजल्ट में देरी हो रही है? और जनवरी लास्ट तक या फरवरी प्रथम सप्ताह तक इंटरव्यू समाप्त हो चुका था 64वीं का, और उसमें करना क्या है, मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स आया, और जो लोग इंटरव्यू में शामिल हुए हैं उनका इंटरव्यू का मार्क्स और मुख्य परीक्षा का मार्क्स जोड़ के और फाइनल रिजल्ट तैयार कर देना है। इसमें इनको इतना समय लग रहा है, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया,
और इनको कहते हुए शर्म नहीं आती है कि कोरोना के चलते रिजल्ट में देरी हो रही है। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप मुझे दे दीजिए ना, मुझे दो दिन का मौका दे दीजिए, मैं दो दिन में रिजल्ट निकाल के दिखा देता हूँ। सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स और मुख्य परीक्षा में आए मार्क्स को जोड़ के रिजल्ट प्रकाशित करना है, और इतना करने में इनको इतना समय लग रहा है। तो अरे बेशरम इंसान, आपको अगर स्टाफ की कमी है आप मुझे बोल दीजिए ना, मैं दो दिन में आपको रिजल्ट तैयार करके दिखा देता हूँ, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, दो दिन में रिजल्ट बना के प्रकाशित करके मैं दिखा देता हूँ, आप मुझे दीजिए दो दिन का समय। लेकिन नहीं, ये सारा खेला चल रहा है बिहार के भर्ती आयोग द्वारा। कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कोई बोलेगा तो कोई आयोग बोलेगा कि विभाग से रिक्ति नहीं आई है, कोई आयोग बोलेगा कि कोरोना के चलते लेट हो रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सब आरसीपी टैक्स वसूलने का एक तरीका है। बहुत सारे लोगों ने आरसीपी टैक्स नहीं पहुंचाया है, जिन लोगों ने सेटिंग वेटिंग कराया है उन लोगों ने पैसा नहीं पहुंचाया है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। और 64वीं का रिजल्ट में देरी का एक और कारण है कि इससे पहले के जो अध्यक्ष थे शिशिर कुमार सिन्हा जी, उन्होंने बहुत लोगों से लिया होगा आरसीपी टैक्स, और अभी नए अध्यक्ष आ गए हैं आरके महाजन जी, तब चल रहा होगा कि इनको उनको पैसा दिया होगा कि इनको देंगे पैसा, इनको नहीं मिला होगा तो ये चाह रहे होंगे कि हमको भी मिले। तो इसी चक्कर में 64वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो देरी हो रही है। आखिर हम क्या समझे, यही समझा जाएगा ना कि इन लोगों पैसा का जो बंदर बांट हो रहा है, इसी चक्कर में 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट में देरी हो रही है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। कोरोना को बहाना बना के आप इतना देरी करेंगे, 2018 की वैकेंसी, 3 साल गुजर गया और इंटरव्यू का मार्क्स और मुख्य परीक्षा का मार्क्स जोड़ के फाइनल रिजल्ट तैयार करना है, उसमें आपको चार महीना से ज़्यादा बीतते जा रहा है और आपको रिजल्ट निकालने में दिक्कत हो रही है। यानी कि ये आरसीपी टैक्स का बंदरबांट हो रहा है, उसी चक्कर में 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कह दिया जाता है कि अफवाह फैला रहे हैं, और एक नोटिस डाल दिया जाता है, फिर अभी दिया है कि जून प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट आएगा। आप देखते हैं जून प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आता है कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम सभी भर्ती आयोगों से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हो आप एक नोटिस डाल दिया कीजिए। ऑनलाइन जब सब कुछ हो रहा है तो एक नोटिस डाल दीजिए, चाहे वो सिपाही भर्ती का हो, बिहार दरोगा का हो, या बीएसएससी का हो, आप एक नोटिस डाल दीजिए उससे संबंधित, ताकि छात्रों को पता चल सके, उनको सूचना के लिए भटकना ना पड़े, शिक्षा माफियाओं के थ्रू उनको पता न चले, उनको आयोग की वेबसाइट से पता चले। धन्यवाद। जय हिंद।